प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता आज का संदेश इवांजलिस्ट जयलाल पटेल छत्तीसगढ़ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको मेरा जय मसीह की। प्रियो, इस सुबह के समय आए हम परमेश्वर के वचन से एक भाग को मनन के लिए देखेंगे। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 29 और 30 दो आयत को हम देखेंगे। 29वें आयत में ऐसा लिखा है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक हम जिस काल में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस काल को कोरोना काल कह सकते हैं। और जब इस समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम सबों के लिए यह कितना तकलीफ की स्थिति है। इस बीमारी ने, इस महामारी ने पूरे दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। यह केवल एक ही देश की बात नहीं, परंतु पूरे समस्त संसार में की बात है। जब इस अवस्था में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या लोग अपने जीवन में कभी एक प्रश्न को करते हैं, मैं अपने जीवन में बचने के लिए क्या करूं? क्या जरूरी है मेरे जीवन को बचाने के लिए? यहां पर उसी भाग को हम देख रहे हैं कि पौलुस और सीलास के सामने एक बहुत बड़ा अधिकारी, रोमी साम्राज्य का अधिकारी, जो एक बंदी गृह, एक कारागार का एक बहुत बड़ा दारोगा था, जिसके हवाले पौलुस और सीलास को किया गया था कि उसे, उन्हें कड़ाई से रखे और उन्हें बहुत ही हिफाजत के साथ बड़े कड़ाई से उस कारागृह में रखे। और यह काम उस दारोगा को मिला था। दारोगा अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्दयी मनुष्य होता है, क्योंकि उसका काम अपराधियों को सजा देने का होता है और वह किसी से डरता नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर उस दारोगा के जीवन में एक भूचाल समझता है। वह किसी न किसी रूप से अपने जीवन में वह इस बात को समझ चुका था कि मैं जिन व्यक्तियों को
इस कारागृह में रखा है वे परमेश्वर के बहुत अच्छे बातों को बताने वाले लोग हैं। उद्धार के विषय में बताने वाले लोग हैं, वे उस महान रहस्य के बारे में बताने वाले लोग हैं जो दुनिया के कोई भी व्यक्ति उन बातों को बताने की योग्यता नहीं रखता है। यहाँ तक कि मैं भी, जो इतना बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतने अधिकार हैं, लेकिन मैं भी इन बातों को नहीं जानता हूँ। मैं किसी न किसी रूप में डरा हुआ हूँ। और वह उस पश्चातापी मन के साथ उनके निकट आता है और उनके चरणों में गिरकर उनसे कहता है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब हम 30वें आयत को हम पढ़ते हैं, उसमें यही एक वाक्य लिखा है कि वह बाहर लाकर सिलास और पौलुस के सामने गिरता है और उन्हें बाहर लाकर उनसे कहता है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन को बचाना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को ही नहीं, परंतु परिवार के, मेरे परिवार है उस परिवार को भी, पूरे लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं उद्धार पाने के लिए सबसे पहले क्या करूं? यह सवाल, क्या हम इस कोरोना काल में कोई व्यक्ति आकर हमसे कोई इस प्रकार का शब्द, इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछे हैं क्या? हमारे देश में बहुत सारे प्रचारक गण हैं, हमारे भारत देश में बहुत सारे प्रचारक हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उद्धार के विषय में बताने की अनुमति है। वे खुलम खुला और व्यक्तिगत तौर पर वे बता रहे हैं अलग अलग जगहों में। क्या उन्हें इस प्रकार के कोई व्यक्ति उनके जीवन में आकर कभी उनके पास आकर मिल, उन्हें यह कहते हुए पाए हैं कि मैं अपने जीवन को बचाना चाहता हूँ? क्या कोई रास्ता है? क्या आप जानते हैं, मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? क्या हम में से कोई सुसमाचार प्रचारक ऐसे लोगों से मुलाकात अभी तक किए हैं जो इस बात को हमसे कहे हों? क्या हम बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े खुशी के साथ इस बातों को हमने कहा है कि यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर, तो तू ही नहीं परंतु तेरे साथ तुम्हारे घर के लोग भी, तुझ जिस प्रकार से तू विश्वास करता है उसी प्रकार से तेरे घर के लोग विश्वास करें तो वे सब लोग उद्धार पा सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी अहम सवाल है प्रियो। क्या हम इस जवाब को देने के लिए इस दुनिया में तैनात हैं? इस समय में, जब इस महामारी के समय में, इस अवस्था में हमें इस प्रकार से हमें अवश्य उन बातों को कहने की आवश्यकता है। प्रभु इन बातों को कहते रहने में हमारी सहायता और मदद करे और हमें इस प्रकार के सवाल को हमें रखने वाले हो सके कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, अपने जीवन में बचने के लिए क्या करूं। प्रभु सहायता करें।